लाइव VNS टॉप 10 हेडलाइंस के प्रायोजक है। 10th 12th फेल व कम्पार्ट स्टूडेंट बचाएं अपना साल थ्रू NIOS। संपर्क करें सनब्राइट अकेडमी सीग्र व पांडेपुर वाराणसी। चौबेपुर स्थित प्राथमिक विद्यालय चंद्रावती में गुरुवार को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पर आधारित शिव बारात व झांकियों का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चे ब्रह्मा विष्णु नारद मुनि सूर्य चंद्रमा गुरु बृहस्पति इंद्रदेव व अन्य देवताओं का मनमोहक रूप धारण कर भस्म लगाए, मुंडमाला पहने बाबा भोलेनाथ बैंड बाजी के साथ अपने सभी गणों ऋषि व भूत पिशाच को संग लिए नाचते गाते माता गौरा के घर बारात लेकर निकले। इस अद्भुत छवि को देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ लग गई। वहीं बारात प्राथमिक विद्यालय चंद्रावती से निकलकर मरी माता मंदिर तक गई। आरती 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 तर आरती, इधर भी देखत रहा, इधर भी आई मुंह है, इधर भी देखा होगा। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हेलीकॉप्टर क्रैश में चीफ ऑफ डिफेंस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और अन्य 11 लोगों के निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त करते हुए नई सड़क स्थित गीता मंदिर गेट पर श्रद्धांजलि देते हुए उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना किया। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा काशी क्षेत्र उपाध्यक्ष अनूप जायसवाल ने कहा कि देश के पहले CDS जनरल बिपिन रावत के आकस्मिक निधन पर भारतीय जनता पार्टी ने एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया था। जनरल बिपिन रावत देश के ऐसे प्रहरी थे जिनके नाम से हमारे सभी दुश्मन देश कांपते थे। हम सभी देशवासी स्तब्ध हैं, शोक संतप्त हैं। जनरल रावत की सेवाएं बहुत लंबे समय तक देश को मिली, बहुत वीर सिपाही थे वो देश के, और उनकी मृत्यु से हम सभी शोक संतप्त होकर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किए हैं। हम सभी ने उनको अपने विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है और सभी यहाँ पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित हैं। टैक्स चोरी करके लाए जा रहे 4.5 किलोग्राम से ज्यादा वजन के सोने को वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर राजस्व खुफिया निदेशालय की टीम ने पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। टीम ने एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। सोने की कीमत 2 करोड़ रुपए से ज्यादा आकी गई है। DRI वाराणसी के सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर आनंद कुमार राय और इंटेलिजेंस ऑफिसर लेखराज ने बताया, उन्हें खुफिया जानकारी मिली थी कि डिब्रूगढ़ से नई दिल्ली तक जाने वाली 20523 राजधानी एक्सप्रेस के जरिए भारी मात्रा में तस्करी का सोना ले जाया जा रहा है। तस्करी का सोना म्यांमार सीमा के जरिए भारत लाया गया और दिल्ली में इसकी डिलीवरी की जानी थी। बाबा विश्वनाथ के बाद काशी में काशी नरेश को बनारसी अपने दिल में बसाए फिरते हैं। ऐसे में श्री काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण समारोह के लिए महाराज कुंवर अनंत नारायण सिंह को भी खास निमंत्रण भेजा गया है। इस बात की जानकारी मंदिर के प्रधान अर्चक श्रीकांत मिश्रा ने दी है। उन्होंने बताया कि महाराज कुंवर अनंत नारायण सिंह को इस समारोह के लिए निमंत्रण पत्र भेजा गया है। श्री काशी विश्वनाथ धाम का भव्य लोकार्पण करने 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी आ रहे हैं। लोकार्पण में देश के सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के प्रधान पुरोहितों को आमंत्रण पत्र भेजा गया है। वहीं काशी नरेश महाराज कुंवर अनंत नारायण सिंह को भी इस लोकार्पण समारोह में विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। श्री काशी विश्वनाथ धाम यात्रा के क्रम में आयोजित हो रहे भव्य काशी दिव्य काशी कार्यक्रम के अंतर्गत 17 दिसंबर को बड़ा लालपुर स्थित दीनदयाल उपाध्याय हस्तकला संकुल में होने वाले प्रदेश के महापौरों के सम्मेलन के तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण गुरुवार को उत्तर प्रदेश नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने भारत सरकार व उत्तर प्रदेश शासन से आए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ किया। बताया गया कि 17 दिसंबर को महापौर सम्मेलन के अवसर पर TFC परिसर में ही बदलता नगरीय परिवेश विषयक लगने वाले प्रदर्शनी का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व केंद्रीय नगर विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी करेंगे। चंदौली के इलिया थाना के सैदुपुर बाजार में बुधवार की रात दरवाजा तोड़कर घुसे चोरों ने सर्राफा की 2 दुकानों से लगभग 2 लाख के गहने और 50,000 नकदी पर हाथ साफ कर दिया। दुकानदारों ने गुरुवार की सुबह पुलिस को इस बात की सूचना दी। पुलिस छानबीन में जुटी है। आसपास के लोगों के अनुसार भागते वक्त चोरों ने असलहे से फायरिंग भी की थी। बता दें कि देर रात चोर दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हो गए। गोलू सेठ के दुकान की अलमारी तोड़कर लगभग 1 लाख रुपए मूल्य के सोने तथा चांदी के जेवर और 50,000 नकदी ले गए।
प्रिया ज्वेलर्स की दुकान में रखी तिजोरी को तोड़कर 60,000 रुपए मूल्य के आभूषण पर हाथ साफ कर दिया। माता अन्नपूर्णा का दरबार आज पूर्वांचल के किसानों द्वारा लाई गई धान की बालियों से सजाया गया है। धन धान्य की देवी माता अन्नपूर्णा का दरबार इस सजावट से अलौकिक आभा बिखेर रहा है। हर वर्ष आज ही के दिन समाप्त होने वाले 17 दिवसीय महाव्रत के उद्यापन पर यह आयोजन वर्षों से चला आ रहा है। महंत शंकरपुरी के अनुसार शुक्रवार को यह नए धान का प्रसाद भक्तों में बांटा जाएगा। मान्यता है कि इसे अन्न में रखने से फसल अच्छी और घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। अन्न की देवी कही जाने वाली माँ अन्नपूर्णा का 17 दिवसीय महाव्रत आज समाप्त हुआ है। महाव्रत के आखिरी दिन माता के दरबार को 11 कुंतल धान की बालियों से सजाया गया है। 17 दिन 17 गांठ व 17 धागे के इस कठिन महाव्रत में व्रती एक समय का ही फलहार करते हैं। IIT BHU में गुरुवार की सुबह IIT के कर्मचारी निदेशक कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए हैं। कर्मचारियों की मांग है कि इंटरनल प्रमोशन किया जाए, पर जो इंटरनल क्राइटेरिया बनाया गया है वह सुसंगत नहीं है, इसलिए उसे तुरंत हटाया जाए। इसके अलावा 3 अन्य मांगों को लेकर IIT BHU के कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे विजय कुमार सिंह ने बताया कि हम लोगों की इंटरनल प्रमोशन सहित 4 मांगे हैं, जिसे लेकर आज प्रदर्शन कर रहे हैं। हम 1669 में औरंगजेब के फरमान के बाद मुगल सेना ने हमला कर आदि विश्वेश्वर का मंदिर ध्वस्त किया था। स्वयंभू ज्योतिर्लिंग को कोई क्षति न हो, इसके लिए मंदिर के महंत शिवलिंग को लेकर ज्ञानवापी कुंड में कूद गए थे। हमले के दौरान मुगल सेना मंदिर के बाहर स्थापित विशाल नंदी की प्रतिमा को तोड़ने का प्रयास किया था, लेकिन सेना के तमाम प्रयासों के बाद भी वे नंदी की प्रतिमा को नहीं तोड़ सके। तब से आज तक विश्वनाथ मंदिर परिसर से दूर रहे ज्ञानवापी कूप और विशाल नंदी को एक बार फिर विश्वनाथ मंदिर परिसर में कर लिया गया है। ये संभव हुआ है विश्वनाथ धाम के निर्माण के बाद। 352 साल पहले अलग हुआ यह ज्ञानवापी कूप एक बार फिर विश्वनाथ धाम परिसर में आ गया है और श्रद्धालु काशी विश्वनाथ मंदिर के साथ ही साथ इस कूप और विशाल नंदी का भी दर्शन कर मनोकामना मान रहे हैं। श्री काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण आगामी 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। प्रधानमंत्री क्रूज द्वारा राजघाट से ललिता घाट पहुंचेंगे और यहां मां गंगा का आचमन कर कलश में गंगा जल लेकर श्री काशी विश्वनाथ के गर्भगृह पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री इस दौरान बाबा विश्वनाथ का राजोपचार और षोडशोपचार विधि से विधिवत पूजन अर्चन करेंगे। इस आशय की जानकारी मंदिर के अर्चक श्रीकांत मिश्रा ने दी। अर्चक श्रीकांत मिश्रा ने बताया कि प्रधानमंत्री 13 दिसंबर को मुहूर्त के अनुसार ललिता घाट पहुंचेंगे और यहां मां गंगा का आचमन करने के बाद कलश में गंगा जल भरकर पैदल ही श्री काशी विश्वनाथ के गर्भगृह में पहुंचेंगे। यहां बाबा विश्वनाथ का राजोपचार और षोडशोपचार विधि से पूजन अर्चन कर पंचामृत से अभिषेक करेंगे।